नंबर वन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं नूह में। जी हां, उसी नूह में जो कि 31 जुलाई को हिंसा की आग में धधक उठा था। और आज हमारी मौजूदगी कोर्ट में है और कोर्ट परिसर में आपको बताएं, आपसे थोड़ी ही देर हिंसा भड़काने वालों में आया था। आरोप लग रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसने भड़काऊ बयान दिए थे, भड़काऊ पोस्ट की थी। न सिर्फ इतना बल्कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एम्स एक्ट के तहत तमाम धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। लेकिन आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये कोर्ट रूम है, ये फर्स्ट फ्लोर जो आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोर्ट परिसर में है और कोर्ट रूम में किसी भी वक्त बिट्टू बजरंगी को लाया जा सकता है। इंतजार बिट्टू बजरंगी के आने का है। अगर आप ठीक नीचे देखेंगे तो ये जो पूरी लॉबी है, ये देखिए यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी किस तरीके से, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और मामला क्योंकि संवेदनशील है और इससे में चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। जब हम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे तब भी हमने देखा था कि हर 200 मीटर पर आरएएफ के जवान तैनात थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी, पुलिस की मौजूदगी थी। और ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त बिट्टू बजरंगी को यहां पर लाया जा सकता है। कल आपको बताएं, लगभग 2:30 बजे बिट्टू बजरंगी की आगे बिट्टू बजरंगी लुगी में दौड़ रहा था और पीछे पीछे क्राइम ब्रांच की टीम सादी वर्दी में घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेशी जरूरी हो में माना यह जा रहा है कि 2:30 बजे पहले यानी कि लगभग 2 बजे के करीब पेश शिकंजे में नूह हिंसा का गुनहगार, हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार। नूह हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिंसा के 15 दिन बाद पुलिस ने आरोपी बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया। बिट्टू बजरंगी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने और भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसी भड़काऊ पोस्ट और भड़काऊ बयानबाजी के बाद नूह में हिंसा भड़की थी और फिर हरियाणा के कई जिलों में हिंसा, पथराव और आगजनी हुई थी। बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। बिट्टू बजरंगी को नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे मंगलवार की दोपहर 2 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो बिट्टू बजरंगी को CIA तावण ने गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ नूह के सदर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। बिट्टू बजरंगी पर आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। गिरफ्तारी से पहले बिट्टू बजरंगी से लंबी पूछताछ हुई थी और फिर सबूत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। और अब पुलिस बिट्टू बजरंगी के साथियों की तलाश में भी जुट गई है। बिट्टू बजरंगी के साथियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, उसके आसपास के जिलों में भी बिट्टू के साथियों की तलाश की जा रही है। लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। नूह हिंसा केस में बिट्टू बजरंगी के अलावा 20 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी पर पुलिस के सामने हथियारों के साथ प्रदर्शन और नारेबाजी करने के आरोप है। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी को पुलिस बेहद अहम मान रही है और पुलिस को लगता है कि उससे पूछताछ में हिंसा से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। SIT पहले ही हिंसा की जांच में जुटी है और अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी, लिहाजा पुलिस और जांच एजेंसियां हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। चूंकि ये मामला साइबर क्राइम से भी जुड़ा है, लिहाजा साइबर पुलिस भी पूरे मामले की निगरानी कर रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का भी कहना है कि किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट करने वालों और भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से लगातार शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है, क्योंकि बिट्टू बजरंगी का लगातार नाम सामने आ रहा है मोनू मानेसर के बाद। ऐसे में बिट्टू बजरंगी क्या कुछ कहता है कोर्ट रूम में, उससे क्या कुछ सबूत हासिल होते हैं, पुलिस को क्या कुछ कड़ियां जोड़ेगा बिट्टू बजरंगी का बयान, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि अब पेशी होने वाली है बिट्टू बजरंगी की, हम सीधा रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। दीपक, बिट्टू बजरंगी की कोर्ट में कब तक पेशी हो सकती है, क्या कुछ समय रह सकता है? देखिए, अभी मेडिकल की प्रोसेस जो है उसकी की जा रही है, उसके बाद कभी भी उसे पेश किया जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि किस कोर्ट रूम में, क्योंकि हालांकि कोर्ट रूम नंबर 7 में सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है, कोई बताने की तैयार नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिट्टू बजरंगी को उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट नंबर 7 में। लेकिन क्या सुरक्षा यहाँ पर कारण रहेंगे अगर उसकी VC होती है, क्योंकि सुरक्षा कारण यहाँ पर काफी अहम रखते हैं, क्योंकि बिट्टू बजरंगी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं, जिस तरह से उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद उसे यहाँ
पर कोर्ट में पेश करने के बाद कस्टडी में पुलिस लेना चाहेगी, लेकिन क्या यहाँ पर वाकई में उसे लाया जाएगा ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि हालांकि पुलिस बल जो है तैनात है लेकिन फिर भी अभी सस्पेंस इसलिए बना हुआ है क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर काफी हद तक पुलिस उसे वीसी के जरिए भी पेश कर सकती है या फिर फिजिकली अगर उसे लाती है तो कोर्ट में यहाँ पर रिमांड मांगी जाएगी, ताकि 28 अगस्त को जिस तरह से एक महापंचायत के जरिए 28 अगस्त को एक कॉल किया गया है कि वो यहाँ पर एक बार फिर जजमेंटल यात्रा करेंगे, और जिस तरह से 31 जुलाई को भड़काऊ पोस्ट के मामले में और जो आरोप लगे थे बिट्टू बजरंगी और दूसरे कई लोगों के खिलाफ, तो उसी मामले में पुलिस की यहाँ पर अरेस्टिंग की गई है और यहाँ पर अब पुलिस कई और दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी कर रही है क्योंकि लगातार गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि अभी और आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन बिट्टू बजरंगी को कितनी देर बाद यहाँ पर लाया जाएगा ये देखना होगा या फिर उसे वीसी के जरिए पेश करेगी ये भी अभी सस्पेंस बना हुआ है।